स्टार्ट करें फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को करने के बाद आपको लगता है कि अपन ही भगवान है। कहते हैं ना मूवी में, कौन सी मूवी है वो, आपको लगे कि अपन ही टैक्स का भगवान है। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको टैक्स प्लानिंग का नाम सुना है, टैक्स प्लानिंग, हाँ, टैक्स सेविंग्स क्या होती है, कि इनकम पे कम टैक्स, इनकम ज़्यादा है, ठीक है, सरकार ने कुछ स्कीम्स आपको बता दी हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा खर्चा करेंगे, तो ये खर्चे पे ना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब खर्चा भी कैसा, जैसे हमारे देश में एक परंपरा चली थी कुछ साल पहले कि माँ बाप जैसे ही 60 साल के हो गए उनको किसी आश्रम में डाल दो, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी जियो। सरकार ने कहा कि अगर आप माँ बाप के इलाज का खर्चा उठाते हैं तो जितना आपका इलाज का खर्चा होगा उतना आपकी इनकम में से माइनस होगा। सरकार ने कहा अगर आपने उनका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करा लिया, तो वो सारे खर्चे मैं आपको टैक्स में डिडक्शन दे दूंगा। इससे धीरे धीरे हमारे देश को सुधार आ गया, ठीक है, माँ बाप के किस्से में। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, सरकार ने कहा कि दो तरीके के डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे। एक डिडक्शन ऐसा कि अगर आप ये खर्चा करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, दूसरा, बात नहीं करेंगे लड़की, दूसरा, अगर आप ऐसी इनकम कमाओगे तो भी डिडक्शन मिलेगा। बताओ मजा किसमें है, खर्चा करने में या इनकम कमाने में? ज्यादा मजा इनकम कमाने में। इनकम कमाओ डिडक्शन पाओ, खर्चा करो डिडक्शन पाओ, ज्यादा मजा कहां लग रहा है? इनकम कमाने में। इनकम आएगी और जितनी इनकम आएगी उसी हिसाब से फिर डिडक्शन भी मिल जाएगी। यहां पे पहले खर्चा करना पड़ेगा तब जाके डिडक्शन मिलेगा, वहां क्या है, बिना खर्चा किए इनकम कमाओ और डिडक्शन पाओ, दोनों बहुत बढ़िया स्कीम्स है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम इस क्लास में कि इस स्कीम के अंडर कहां कहां डिडक्शन मिलेगा, क्या क्या डिडक्शन हमको मिल जाएगा। वी विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। चलिए मेरे साथ साथ लिखेंगे हेडिंग, चैप्टर का नाम है, हाँ बेटा, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, या इसको हम बोलते हैं चैप्टर 6 डिडक्शंस। या हम इसको बोलते हैं ATC to ATU deductions। अब मैं जो लिखूंगा आप भी साथ साथ में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने कहा कि दो तरीके के डिडक्शंस मिल जाएंगे आपको, एक इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और पेमेंट, जो खर्चा करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगी। दूसरा मैंने क्या कहा था, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, जो भी इनकम कमाओगे वहां से डिडक्शन मिल जाएगी। पहला लिखना इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल
पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स in respect of eligible incomes. दो तरह की deductions, एक investment पे मिलेगी deduction, दूसरा incomes पे मिलेगी. ठीक है, इसमें लिखना कौन कौन से सेक्शन हमें पढ़ने हैं. 80C सी, मजा आ रहा है ना. 80 CCD, देखो अब ज्यादा मजा आ गया, CCD भी आ गया. 80 CCG, 80D, 80DD, 80DB, 80E. सर क्या हमें ये याद रह जाएंगे? बिल्कुल बेटा, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी. 80GG, 80GGB, 80GGC, 80JJA, 80QQB, 80RRB, 80TTA, 80U. मुझे बताइए, ये जो ग्रीन कलर का डब्बा है इसमें क्या लिखा है कि ये वाले जो नीचे सेक्शंस हैं इनमें जो भी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली इनमें जो लिखा है, ठीक है, सरकार के मर्जी के मुताबिक अगर आपने इन्वेस्टमेंट या कोई भी पेमेंट किया है, ठीक है, तो उस पर क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा. अच्छा, ये जो दूसरा वाला है, ये वाला, इसका क्या मतलब है कि अगर सरकार की मर्जी के मुताबिक आपने पैसा कमाया, सरकार ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो यहां से जो पैसा आएगा वो पूरा माफ, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है, तो सरकार की मुताबिक अगर आपने पैसा कमाया तो उसकी डिडक्शन मिलेगी. और इसका क्या मतलब है? सरकार की मर्जी के मुताबिक अगर आपने खर्चा किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या पेमेंट, इसको हम बोलेंगे. लिखना मेरे साथ साथ. सबसे पहले पहला सेक्शन लिखेंगे 80JJA, 80 लिखा है. अच्छा, पढ़ा है. क्या होता है JJA बताओ, बताओ. आप लोगों ने सुना है, डिडक्शन करा हुआ है. वरुण बोल रहे हैं हमने पढ़ा है. क्या होता है डिडक्शन? 80JJA बताओ.
अब फन्ने ढूंढने की जरूरत नहीं है, रहने दो, जो कुछ भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जे जे में क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सरकार ने कहा कि अगर आप काम कर रहे हैं किस चीज का, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है, लिखेंगे पहले इसको, उसके बाद में समझा दूंगा। जो लिखा है उसको भूल जाए, दोबारा लिखें। अलाउड टू ऑल एसएससीज, एसएससी का मतलब ऑल एसएससीज जहां पे आया, जहां पे मैं ऑल एसएससीज बोलूंगा उसका क्या मतलब हुआ? इसमें इंडिविजुअल भी आएगा, एचयूएफ भी आएगा और फर्म भी आएगा, बोलो, एलएलपी भी आएगा, कंपनी भी आएगा, एओआई नहीं होता, एओपीबीओआई होता है, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे, आगे मैं लिखूंगा एटसेट्रा। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, तो चाहे ये रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, ये दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिखना एसएससी engaged in the business of collecting and processing biodegradable waste for generating of power producing biogas making pellets or briquettes for fuel or organic manure बताओ ये इनकम है या खर्चा है? एटी जे जे कौन से साइड में आता है? इनकम वाले साइड में, खर्चे वाले साइड में? इनकम वाले साइड में, कि अगर आपने ऐसी इनकम कमाई, कैसी इनकम? अगर कोई एसएससी, एसएससी मतलब ऑल एसएससीज, ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, सारे, चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। अगर ये लोग किस बिजनेस में है? प्रोसेसिंग एंड कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करना या उसको प्रोसेस करना। कलेक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड प्रोसेसिंग इज समथिंग डिफरेंट। कोई कंपनी सिर्फ कलेक्ट करती है
और दूसरी कंपनी उसको प्रोसेस करके फिर बाकी चीज़ें बना लेते हैं। प्रोसेस करने के बाद या तो उससे पावर जनरेट होता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है, मेकिंग पैलेट्स एंड ब्रिक्वेट्स, ये क्या होता है, मशाल देखी है कभी, जो पहले पुरानी मूवीज देखी है वहाँ पे मशाल लगी होती थी, ठीक है। तो छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े या जो जलाने के काम आ जाते हैं उनको बोलते हैं पैलेट्स एंड ब्रिक्वेट्स फॉर फ्यूल और ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ठीक है। अगर इस बिजनेस में है, ये बिजनेस है आपका, तो यहाँ से जो इनकम आएगी, सरकार ने कहा उसका डिडक्शन 100% जो उसका प्रॉफिट है सारा का सारा डिडक्शन। अब लोगों ने ये बिजनेस करना स्टार्ट कर लिया, लोगों ने ये बायोडिग्रेडेबल पहले जो कुछ भी होता था ये ऐसे ही खाली वेस्ट होता था, इसको कोई रिसाइकिलिंग का कोई नहीं सोचता था, सब सोचे कि नया प्रोड्यूस करो, रिसाइकिलिंग से क्या होता है। अब रिसाइकिलिंग प्रोसेस शुरू होने लगा कि जो वेस्ट है उनको दोबारा यूज़ करो, ठीक है। दोबारा यूज करने से क्या होगा, जो प्रॉफिट हम कमाएंगे उसका 100% क्या होगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अब लोगों ने ये स्टार्ट कर लिया ये बिजनेस, तो पहले साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल लॉस, चौथे साल लॉस। उन्होंने कहा सरकार से कि हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों? एक तो हम आपके मन मुताबिक काम कर रहे हैं, यहां तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, हम पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर की जरूरत है हमें, हमारे देश में बायोगैस की को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि जरूरत है हमारी, ठीक है। हम मैन्यूअर ऑर्गेनिक जो भी है फ्यूल है ये सारा कुछ प्रोड्यूस करते हैं जिसकी देश है, ये जरूरत है हमारे देश में, लेकिन हमारा तो लॉस में ही जा रहा है बिजनेस, तो हमारा क्या फायदा हुआ। सरकार ने कहा चलो कब तक लॉस आ जाएगा, 4 साल 5 साल, ठीक है, 10 साल का प्रॉफिट माफ, 10 साल तक जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो माफ। फिर भी जो देशवासी थे उन्होंने कहा कि नहीं, मजा नहीं आया। क्यों? अरे पहले 5 साल तो लॉस होगा ना, मतलब 5 साल का ही आप हमें बेनिफिट दे रहे हो। सरकार ने कहा एक काम कर, 15 साल के गैप में 10 consecutive years का प्रॉफिट माफ। आपको लगता है कि पहले 5 साल मेरा लॉस हो जाएगा, तो उस पहले 5 साल को छोड़ो, अगले जो 10 साल है 15 साल में से कितने साल, 10 साल का प्रॉफिट माफ, डिडक्शन फुल 100%। अगर आपको लगता है कि पहले ही 10 साल डिडक्शन ये प्रॉफिट आएगा, उसके अगले 5 साल बाद जो है मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो क्या करेंगे, जब हमें लगेगा कि कंजेक्टिव 10 ईयर्स का प्रॉफिट है हमारे पास, तो उन 10 ईयर्स का हम यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। ये नहीं कि एक साल प्रॉफिट आया तो ठीक है डिडक्शन ले लिया, अगले साल लॉस है, नहीं सरकार इस साल नहीं, अगले साल कंजेक्टिव ईयर्स, कंजेक्टिव क्या होता है, लगातार 10 साल तक आपको ये स्कीम, जब आपने कहा कि हाँ मुझे 80D ये JJA का आप डिडक्शन लेना है, उस साल से स्टार्ट हो जाएगा, अगले 10 साल तक आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, इसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ क्यों देना पड़ेगा भाई साहब, आप मेरी बात समझे नहीं। आपने कहा कि मैं बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे ये 15-16 साल है, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, ठीक है, कितने साल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, आपको इस साल में प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट है, और इस साल में लॉस हो गया। अब आप क्या बोल रहे हैं सरकार को कि सरकार इस साल हमें डिडक्शन दे दो, ये वाला साल आप काउंट मत करो, ये वाला साल उन 5 सालों में डाल दो जो कि हम नहीं ले रहे हैं। सरकार ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, एक बार आपने कमिटमेंट कर ली फिर मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा, कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और लगातार चाहे आपको फिर प्रॉफिट हो जाए लॉस हो जाए आपको डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपका लॉस में जा रहा है तो मेरी गलती थोड़ी है, आपकी गलती है ना, आपको प्रॉफिट नहीं आया तो ठीक है, आपको उसी साल से स्टार्ट करना है जिस साल आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट किस साल आया, 15-16 से, तो 15-16 से आगे आपने स्टार्ट कर लिया। अब कभी बीच में आपको 19-20 में लॉस आया
तो इसका मैं क्या करूँ? ठीक है, पहले आपने स्टार्ट कर लिया है, अब ये टूटने वाला बॉन्ड नहीं है। समझ में आ गया? तो लिखेंगे डिडक्शन, इज इक्वल 100% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस। For 10 consecutive years out of out of 15 years। ठीक है, 15 साल में से 10 साल के लिए आप डिडक्शन ले सकते हैं। यहां पे नोट लिखना छोटा सा, क्या लिखा मैंने, क्या होता है ये? शुगर केन का जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं बगेस। ठीक है, अच्छा ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि हमारे देश के किसानों ने इस पे बोला था कि अगर आप इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं मानोगे तो ये तो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है ना इसका, बायो शुगर केन के वेस्ट का। ठीक है, तो इससे भी बायोगैस प्रोड्यूस होती है। लिखना वेस्ट ऑफ शुगर केन इज अ डिग्रेडेबल वेस्ट एंड एलिजिबल फॉर 80JJA नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 80U। इस इनकम को कमाने के लिए मैं दुआ देता हूं कि आप ये इनकम ना कमाएं। क्या होता है 80U में? जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं वो अगर इनकम कमाते हैं तो उनकी इनकम को डिडक्शन मिल जाती है। फिजिकली हैंडीकैप्ड आप में से कोई है? मेंटली तो बहुत है, तो डिफाइन नहीं किया है ना मेंटल का कि किस हद तक, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पागल नहीं, दिमाग खराब है। ठीक है, तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है और आप इनकम कमा रहे हैं तो आपकी इनकम को डिडक्शन मिल जाएगा। अब सर फिजिकली हैंडीकैप का क्या मतलब है? वो देखिए मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं होता है। ठीक है, मेरी भी एक उंगली छोटी है, देखो तो मैं भी बोलूँगा सरकार से मेरी तो एक उंगली छोटी है, मुझे भी डिडक्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोगों ने चश्मा लगाया है, ये भी जाके बोल देंगे सरकार को कि हमने भी तो चश्मा लगाया, हम भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, कम दिखाई देता है। ठीक है, अब कुछ लोगों के मेरी तरह बाल नहीं है वो भी जाएंगे कि हम भी तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। ऐसे तो बहुत सारे डेफिनेशन निकल के आ जाएंगे ना, यस और नो?
तो डेफिनेशन है क्या एक्चुअल में, कि अगर आपको डॉक्टर ने 40% या उससे ज्यादा, 40% या उससे ज्यादा अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है कि आप 40% डिसेबल है, डिसेबिलिटी आपकी कितनी है 40%। डिसेबल क्या होता है कि कोई पार्ट जो है हमारे जिस्म का जो काम नहीं करता, जैसे मेरा हाथ काम करना बंद कर जाए तो ये डिसेबल हो जाएगा। एक होता है एबल, एक होता है डिसेबल, सिंपली, ठीक है। अब किसी की टांग काम नहीं करती है तो वो डिसेबल हो जाएगा। अब ये परसेंटेज में देखा जाता है कि अगर आप 40% डिसेबल है तो आपको डिडक्शन मिल जाता है 75,000 का, और अगर आप 80% से ज़्यादा डिसेबल है, 80% से ज़्यादा मतलब आपका आधे से ज़्यादा शरीर, मतलब 20% बचा हुआ है जो काम कर रहा है, बाकी सारा डिसेबल है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 का। समझ में आया? अगर आपको 40% या उससे ज़्यादा डिसेबल है तो डिडक्शन कितना मिलेगा 75,000, और अगर आप डिसेबल कितने हैं 80% या उससे ज़्यादा तो डिडक्शन कितना 1,25,000। तो क्या अच्छा है 1,25,000 या 75,000, क्या कमाना चाहते हैं आप? कुछ लोग बोले सर 1,25,000 ही कमा लेंगे, ठीक है, उसको जगाओ, लड़के को लिखो अलाउड टू इंडिविजुअल रेसिडेंट। अब यहाँ पे इंडिविजुअल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि HUF तो डिसेबल नहीं हो सकता, कंपनी डिसेबल नहीं हो सकता, तो इंडिविजुअल को ही मिलेगा। Who has a valid certificate of physical disability deduction is equal to 75,000 for 40% or more जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही डिसेबल हो। अब जन्म होने के बाद भी डिसेबल हो सकता है ना इंसान। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप डिसेबल हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा, भले ही आप डिसेबल है या नहीं है, ठीक है। डन, लिख लिया। नेक्स्ट सेक्शन 80DD। इस सेक्शन में सरकार ने कहा कि अगर आप एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है या इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ दोनों को ये डिडक्शन मिल जाएगा। कंडीशन क्या है? आपको खर्चे करने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि आप पे डिपेंडेंट है। HUF में कोई सारे मेंबर्स डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए उसकी फैमिली, अगर आपने अपनी फैमिली के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है
या कोई अपने लिए, जो आपका ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है वो बंदा फिजिकली डिसेबल हो, जिस व्यक्ति के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है वो व्यक्ति क्या हो, फिजिकली डिसेबल हो। ऊपर 80U में क्या था कि अगर फिजिकली डिसेबल बंदा खुद पैसे कमा रहा है तो उसकी इनकम को डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ क्या है कि अगर कोई डिसेबल बंदा है आपके घर में, तो आपने अगर उसका इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया है या उस पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चा किया है, तो वो खर्चे आपके डिडक्शन में चले जाएंगे। और आपने खर्चा 1 रुपये का किया हो या 2 लाख का किया हो, डिडक्शन फिक्स है कि आपने खर्चा किया या नहीं किया तब भी डिडक्शन मिल ही जाएगा। मतलब लोगों का क्या था कि घर में कोई डिसेबल बंदा है उसको निकाल के सड़क पे फेंक दो, वो बेचारा दिन भर भीख मांगता रहता था, ठीक है, और अच्छी खासी कमाई होती थी उससे। ये लड़की सोच रही है उससे भी कमाई होती है, लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के बचाव के लिए सरकार ने ये सेक्शन निकाला कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में जो डिसेबल है उनको बाहर रोड पे ना डाले, कि अगर आप उन पे खर्चा करेंगे, डिसेबल जो आपके बंदे हैं, अगर आप उन पे खर्चा करेंगे या उनके इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रीमियम भरेंगे, तो जो खर्चा आप करेंगे उतना डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिक्स अमाउंट दे देंगे, या तो 75,000 या तो 1,25,000। बताइए 75,000 कब मिलेगा तो 1,25,000 कब मिलेगा? 40% डिसेबल है वो व्यक्ति तो 75,000, और 80% से ज्यादा है तो 1,25,000। लिखेंगे मेरे साथ साथ, अलाउड टू इंडिविजुअल रेसिडेंट और HUF रेसिडेंट। लेकिन ये NR को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा। लिखना, डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड on maintenance including medical treatment or taken any insurance policy for a dependent who is person with disability डिडक्शन इज इक्वल, कितना डिडक्शन मिलेगा? 75,000 और 1,25,000 विदाउट comparison of actual expenses
मैंने क्या लिखा है? दो चीजें हैं इसमें, इस वाले सेक्शन में दो चीजें हैं, एक है डिपेंडेंट और साथ में डिसेबल हो। डिपेंडेंट हो और डिसेबल हो तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वो जो आप बता रहे हैं उसके लिए अलग सेक्शन है, आएगा अभी वो भी। विदाउट एक्चुअल एक्सपेंडिचर, आपने खर्चा किया 1000 रुपए का, ठीक है, इस साल में, और सरकार ने कहा कि आपको 1000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आप हमें बताओ वो कितना डिसेबल है। हमने कहा 40%, आपको डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिक्स्ड रेट पे। आपने खर्चा किया 5 लाख का, सरकार ने कहा 5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, डिसेबल कितना है वो बताओ। हमने कहा 80%, तो 1/25 का डिडक्शन मिलेगा। फुल्ली डिसेबल, हाँ, 80% और अबव का क्या मतलब है? 100% डिसेबल है तो वो तो फिर उसको उठाना भी पड़ेगा, बिठाना भी पड़ेगा, 100% डिसेबल है तो, ठीक है। 100% डिसेबल मतलब मुझे नहीं लगता कोई होगा, ठीक है। 100% तो ख़त्म है ना फिर, ठीक है। 80-90 के बीच में चलो ठीक है, मान भी लेते हैं। 100% मतलब टोटल ख़त्म, बिजनेस नहीं चला रहा है ये, तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारे घर में कोई डिसेबल है, तुम्हारे पे डिपेंडेंट है, तो ये डिडक्शन मिलेगा। ऊपर वाला IT, यू वाला वो था कि अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो उसको डिडक्शन मिलेगा, और वो डिसेबल है, डिसेबल होने के बाद भी कमा रहा है तो उसको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, अपनी फैमिली के अलावा तो बंदा किसी का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा। अपनी फैमिली के अलावा किसी का इलाज भी नहीं करवाएगा, यस और नो? तो यहां पे रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है, लिखना मेरे साथ साथ। रिलेटिव मीन्स बातें ना करके लिखने पे ध्यान दे दे। रिलेटिव मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल है उसके लिए रिलेटिव का मतलब होता है स्पाउस। स्पाउस क्या होता है? जरूरी है वाइफ ही हो, वाइफ है, हस्बैंड है, ठीक है, लाइफ पार्टनर जिसको बोलते हैं, बेटर हाफ होता, कभी बेटर नहीं है, कभी कभी मान लेते हैं कि कहने की बात है बेटर हाफ, ठीक है। स्पाउस, चिल्ड्रन, यहाँ पे लिमिट नहीं है बच्चों पे, हाँ हाँ अभी आएगा, लिमिट भी होती है सैलरी में जैसे था, ठीक है। हम दो, हमारे दो बच्चे, दो ही अच्छे, ठीक है। यहाँ पे लिमिट नहीं है, किसी भी बच्चे का अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। अब लोग बोलेंगे फादर पे भी लिमिट नहीं है, फादर एक ही होता है, मदर। ब्रदर एंड सिस्टर, बस इसका मतलब है परिवार। एक इंडिविजुअल के लिए उसका स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, उसके फादर मदर, उसके ब्रदर सिस्टर, इतना ही है परिवार। इससे अलावा परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं आता, कजन्स वगैरह, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, चाचा चाची, ताऊ, नाना नानी, दादा दादी, वो क्या होते हैं, और मौसा मौसी, कोई भी परिवार की परिभाषा में नहीं आते, समझ में आ गया। नहीं आएगा, अगर आपके फादर उनके लिए इलाज करवा रहे हैं तो उसको डिडक्शन मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके लिए फैमिली मतलब इतनी, ठीक है। हाँ, अगर आपका कोई HUF है तो HUF के में फैमिली का मतलब होता है एनी फैमिली मेंबर, ठीक है। अब ये पूरा गांव होता है, इसमें हर तरह के लोग मिल जाते हैं HUF में।
अभी तक आपने तीन सेक्शन पढ़े, पहला 80JJA क्या होते हैं JJA, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आपने कोई भी पैसा कमाया ठीक है तो इसका डिडक्शन आपको मिले, फ़ोन नीचे रखेंगे तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या पढ़ा, 80U, अगर आप विकलांग नागरिक हैं और आप पैसा कमा रहे हैं तो जो आपकी इनकम है उसमें वो डिडक्शन मिल जाएगी ठीक है। डिडक्शन कितना मिलेगा, 75,000 और 125 कब मिलेगा, जब 40% से ज़्यादा डिसेबल हो, और 125 कब मिलेगा, जब 80% है उससे ज़्यादा डिसेबल हो। और तीसरा सेक्शन कौन सा पड़ा, 80DD, इसका क्या मतलब है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं या रेसिडेंट HUF हैं तो आपके घर में कोई विकलांग नागरिक है और आपने उस पर खर्चा किया है या उसका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो जो भी खर्चा आपने किया है उसको ना देख के सरकार आपको फ्लैट डिडक्शन दे देगी। कितना डिडक्शन मिलेगा, 75,000 या 125, समझ में आया। और यहाँ पे फैमिली का मतलब HUF के लिए एनी फैमिली मेंबर और इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन और ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स इसको हम बोलते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, सीक्वेंस नहीं है कोई, हाँ नहीं जो आपने लिखा है कोई एज लिमिट, हाँ बताओ ना फिर क्यों बोल रहे हो, ऐसे ही मन में आया नहीं, क्योंकि सबका क्वेश्चन था ना, क्या पता आपने कहीं लिखा हो कि एज लिमिट होना चाहिए, हाँ इस लिखा है ना ऊपर, इसमें लिखा है एक तो डिपेंडेंट हो और डिसेबल हो, दोनों केसेस में, लेकिन सर वो डिसेबल है हमारे और डिपेंडेंट भी है, इतनी सब ना कमा भी रहे, तो अगर वो अपना कमा रहे हैं तो उसके लिए तो ऊपर 80U लगेगा, 80U तो लग जाएगा, हाँ और अगर आपने उसके लिए कुछ खर्चा किया है तो आपके लिए 80DD लगेगा। सुनो मैं बता रहा हूँ, अगर वो खुद कमा रहा है तो उसकी इनकम पे 80U लगेगा, आप पे डिपेंडेंट है, जब वो खुद कमा रहा तो आप पे डिपेंडेंट कैसे हो गया, अब उसकी इनकम सुनो अब उसकी इनकम उतनी है नहीं फिर भी वो आप पे डिपेंडेंट है, ये कहना चाहते हैं ना आप, उसकी इनकम इतनी है कि वो आप पे ही डिपेंडेंट है, फिर भी कमाने के बाद भी आप पे ही डिपेंडेंट है, तो आप जो खर्चा करोगे आपको 80DD का मिल जाएगा, समझ में आ गया ठीक है। और मेहरबानी करके जो आपने पुराना पढ़ा है ना उसको प्लीज साइड में रखो, जो नया दे रहा हूँ पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ठीक है, उसको साइड में रख के वो वाले पेजेस पे मत जाओ जो मैं लिखवा रहा हूँ वो पढ़ो ठीक है, क्लास के बाद वो सारे पेजेस टैली कर लेना, कहीं पे डिफरेंस आए तो मुझे बता देना ठीक है, और जब तक यहाँ पे क्लास में हो तब तक उन पेजेस को मत देखो, क्लियर। चलो नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 80E, ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है नालायक बच्चे, ई फॉर होता है एजुकेशन, एलिफेंट तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर क्या होता है एजुकेशन, से याद आया कि अगर आप 12th, हाँ ई फॉर बहुत कुछ होता है बेटा फिर चुप ही रहते हो, तो एजुकेशन से याद आया कि अगर आप कोई एजुकेशन लोन ले रहे हैं और उस लोन की भरपाई कर रहे हैं तो साथ में इंटरेस्ट का भी अमाउंट जाएगा, तो वो जो अमाउंट आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन मिलेगा, समझ में आया। 80E का क्या मतलब है कि सेक्शन 80E कहता है कि अगर आपने कोई लोन लिया है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन परस्यू करने के लिए, लेकिन ये कौन सा एजुकेशन है, क्या स्कूल वाला, नहीं, हायर स्टडीज, कहाँ से स्टार्ट होती है हायर स्टडीज, 10th के बाद, नहीं 12th के बाद, 12th के बाद, हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो मैं तो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि 10th के बाद नहीं हो रहा है, आप तो अंतर्यामी हैं ठीक है। अब 12th के बाद जो भी स्टडीज शुरू होती हैं, जो भी कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं तो उनके लिए अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो जब आप उसकी भरपाई करेंगे तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट आप करेंगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा ठीक है, लिखेंगे इसको
अलाउड टू। हाँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोला मैंने, अलाउड टू। इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो दोनों को मिलेगा। इट इज अलाउड फॉर एजुकेशनल लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ SSC himself or his relative अभी लिखवा ही रहा हूँ बेटा, पहले कंप्लीट तो करने दो उसके बाद फिर बता देना। मैंने कहा ना पुराना भूल जाए, फिलहाल नए को आने दो। आ रहा है यार, तभी तो बोल रहे हो। एजुकेशन लोन किससे लिया हो? फ्रॉम एनी बैंक। आप स्टार देके नीचे लिख सकते हैं, फ्रॉम एनी बैंक जो कि बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में कवर हो, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से आपने ये एजुकेशन लोन लिया हो। ऐसा ना हो कि जो हमारे गली में सेठ जी होते हैं उनसे लिया हो और आप बोलें कि हमने तो लोन लिया है, अब उनको पेमेंट करना है सेठ जी को, तो वो वाला यहाँ पे कवर नहीं होगा। और हायर एजुकेशन का मैंने क्या बताया, मतलब स्टडीज़ आफ्टर क्लास 12। तो यहाँ लिखना एनी कोर्स आफ्टर क्लास 12, बारहवीं के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए एजुकेशन लोन लेना। डिडक्शन इज इक्वल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर मैक्सिमम फॉर 8 consecutive years relative means spouse children
और एनी कंसेक्यूटिवस स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो इस पे ध्यान ना दो, आपको जो स्पेलिंग सही लगती है वो लिखो। बता रहा हूँ मैं अभी, अभी तो बता ही नहीं। लिख लिया ATE फॉर एजुकेशन, ऐसे याद रहते हैं ये सेक्शन E फॉर एजुकेशन। एजुकेशन से याद आया कि एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन का पेमेंट किया, उसके साथ इंटरेस्ट गया, तो इंटरेस्ट जितना भी गया अगर वो इस साल का है, मतलब करंट ईयर रेलिवेंट ईयर का, 18-19 की बात करते हैं, 19-20 में असेसमेंट ईयर में, 18-19 में जितना भी इंटरेस्ट एजुकेशन लोन का पे हुआ है वो सारा का सारा डिडक्शन में चला जाएगा। समझ में आया, समझ में आया पक्का। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशन लोन किससे लिया गया हो, या तो किसी बैंक से जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कवर हो, और दूसरा या तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से लिया हो, चैरिटेबल ट्रस्ट से लिया हो। और हायर एजुकेशन से क्या मतलब है, 12th क्लास के बाद कोर्सेज। और डिडक्शन कितना है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द रेलिवेंट ईयर, जितना भी आपने पेमेंट किया, कितने साल तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, 8 लगातार साल तक। ठीक है, अगर लगातार साल नहीं हुआ, आप बीच में कोई साल छूटे, तो अगले साल उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, रेलिवेंट ईयर का ही अगले साल मिलेगा। रिलेटिव का क्या मतलब है, स्पाउस, चिल्ड्रन और एनी स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्डियन। मतलब सड़क पे बच्चा था, मैंने उसको उठाया और स्कूल भेजा, स्कूल के बाद कॉलेज, जब कॉलेज की बारी आई तो फीस ज़्यादा थी, तो मैंने एजुकेशन लोन ले लिया, उस एजुकेशन लोन का आज मैं पेमेंट कर रहा हूँ, साथ में इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मुझे बताओ क्या मैं ATE में कवर हूँ या नहीं। मैं कवर। शिक्षा पाने का अधिकार हर एक को है। सरकार ने कहा कि अगर आप देश के किसी बच्चे को भी, किसी बच्चे को भी लीगल गार्डियन के तौर आप उसकी शिक्षा करा रहे हैं, ठीक है, और आपने लोन लिया हुआ है उसको पढ़ाने के लिए, भाई इतना कौन करता है, किसी के लिए कोई लोन क्यों लेगा, और आप ले रहे हैं किसी को पढ़ाने के लिए लोन, और जब आप पेमेंट करेंगे लोन की इंटरेस्ट को, जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे वो सारा का सारा डिडक्शन में चला गया जाएगा। कौन से सेक्शन में, ATE में। समझ में आया, ठीक है। आपको लगता है कोई ऐसा करेगा सड़क से उठा के फिर लोन ले लेगा उसको पढ़ाने के लिए? रेयर केसेस होते हैं, करोड़ों में एक, ठीक है, लाखों में नहीं, करोड़ों में कभी कोई एक हुआ तो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जो लीगल गार्डियन होते हैं आप अपनी ही फैमिली के लीगल गार्डियन होते हैं। समझ में आया पक्का, चल सकते आगे। यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक कहाँ का हो, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कवर हो, तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कवर हो वो तो इधर का ही बैंक होगा। हाँ कर सकते हो, क्या दिक्कत है, हाँ आ जाएगा। लोन कहाँ से लिया है वो देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन, लिमिट बताए ना 8 साल। विड्रॉ क्या कर रहे हो आप, हाँ तो लोन ले लो ना, कितना लेना है, जितना आपका कोर्स का फीस होगा उतना ही ले लोगे। खड़े होके बात करो ना, एक करोड़ का कौन सा कोर्स होता है भाई,
अच्छा, जब आप लो एजुकेशन लोन लेते हैं ना, सुनो पहले बात, जब आप एजुकेशन लोन लेते हो ना, देखो ये एक रियल जो एक्चुअल बात होती है, एक्चुअल फिगर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, बेकार की बातें नहीं करेंगे क्लास में। सुनो, जब लोन सेंक्शन होता है ना, सेंक्शन के पहले जो प्रोसेस होता है, कॉलेज एक अपना प्रोस्पेक्टस और लेटर भेज देता है कि इस बच्चे का हमने एडमिशन कराया है, ठीक है, इसने मान लो 5,000, 10,000, 1,00,000 रुपए फीस जमा करी है, अब बाकी का पेमेंट इसको ऐसे ऐसे आना है। तो आजकल आपको पैसा नहीं दिया जाता है कि आप ले जाके कॉलेज में दे दीजिए, डायरेक्ट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में वो ट्रांसफर होता है, कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और जिस हिसाब से उन्होंने बाइफर्केट किया होगा, इस सेमेस्टर का इतना, इस सेमेस्टर का इतना है, या तो वो एक साथ ट्रांसफर करते हैं या तो सेमेस्टर वाइज बैंक आपका ट्रांसफर कर लेता है। समझ में आया? तो इसमें कोई नहीं है कि 1 करोड़ का लोन लिया, 80 लाख खर्चा किया, 20 लाख का हमने मौज कर लिया, फिर हम वापस कितना भरें, वो तो बैंक देखेगा ना, आप नीरव मोदी थोड़ी हो, ठीक है, पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो लिखेंगे नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 80 TTA। RBI का नाम सुना है? क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब पूरे देश का सबसे बड़ा बैंक, जो पूरे सारे बैंक्स, देश के बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, ठीक है। नाराज हो गया क्या लड़का? सो रहा है? अच्छा, ये सोच रहा है कि 20 लाख का क्या करूंगा अब, नलायक। सुनो, अब RBI ने अनाउंसमेंट कर लिया, RBI सुबह उठा नींद से, खिड़की से देखा नीचे कुछ लोग जमा थे, बहुत हल्ला हो रहा था, नीचे आया। इमेजिन करते ना, RBI एक सेठ जी टाइप आदमी है, सुबह उठा चाय पीने के लिए, जैसे ही बालकनी में गया, बाहर बहुत शोर है, जैसे देखा कि यार ये कौन लोग आए हुए हैं, रामू को देखना कौन है, रामू चले गए, रामू काका, और देखा कि अरे ये तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, हल्ला मचा रहे हैं। RBI चला गया नीचे, हाँ जी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आपने हमें बनाया है बैंक, आपने हमें अथॉरिटी दी है कि आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आता ही नहीं है, कोई खाता ही नहीं खोल रहा हमारा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति बैंक में खाता नहीं खोल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो आज के बाद एक कानून बनाया कि जो भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जो कि RBI के तहत काम कर रहा है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक काम कर रहा है, उसमें जो भी व्यक्ति सेविंग अकाउंट खोलेगा, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आएगा, जितना इंटरेस्ट आएगा अप टू 10,000 डिडक्शन, 10,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी, उससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। इतने में कुछ लोगों को गुस्सा आ गया, बैंक वाले तो चले गए, कुछ लोग और भी बचे थे, और भी है क्या कोई? उन्होंने कहा है ना, हम है पोस्ट ऑफिस, हमारा काम था भैया डाक का इधर से उधर कर लेना, अब इसमें भी ईमेल आ गया, हम तो बेकार हो गए हैं, हमारे पास कोई आता ही नहीं है, हम तो सुबह जाते हैं ऑफिस में, शाम को फिर से निकलते हैं, हमारा कोई काम ही नहीं होता है। RBI ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खोलता है, सर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलता है, समझ में आया? तो पोस्ट ऑफिस में कोई भी व्यक्ति अगर सेविंग अकाउंट खोलता है, तो वहां पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा अप टू 10,000 डिडक्शन, तो इनकम कमाया और साथ में डिडक्शन भी पाया, समझ में आया? ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस भी चले गए, अभी भी कुछ लोग बचे हुए थे, RBI जैसे ही वापस मुड़ने वाला था, अरे अभी भी हो, बता तो दिया, अरे आपने पहचाना नहीं हमें, हम भी आपके ही बच्चे हैं, कौन? अरे हम सर, हम हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI ने कहा देखो बैंक की बात हो गई, उनमें जो सेविंग अकाउंट खोलेगा इंटरेस्ट अप टू 10,000 डिडक्शन, पोस्ट ऑफिस की भी बात हो गई इंटरेस्ट अप टू 10,000 डिडक्शन,
अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। अगर कोऑपरेटिव बैंक में भी कोई सेविंग अकाउंट खोलेगा तुम्हारे लिए भी सेम कानून है, अप टू 10,000 डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो तीनों के लिए ये कानून बनाएगा। लिखेंगे मेरे साथ साथ, अलाउड टू, अलाउड टू इंडिविजुअल और HUF रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, SSC शुड हैव सेविंग अकाउंट विद सेविंग अकाउंट विद एनी बैंक कवर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। किसी भी पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट हो। तीसरा, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में लिखना डिडक्शन इज इक्वल इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अप टू रुपीज 10,000। ATTTA समझ आया? मैंने लिखा है FD का, क्या लिखा है? सेविंग अकाउंट आ जाएगा वो भी। डन, समझ आया ATTTA क्या होता है? किसी भी बैंक में, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला, वहां से जो इंटरेस्ट कमाया अगर 10,000 तक है तो 10,000 तक पूरी छूट मिल जाएगी, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, डिडक्शन, एक मुझे याद आया चीज, डिडक्शन और एग्जेम्पशन में क्या डिफरेंस है? कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज से, व्हाट इज डिडक्शन एंड व्हाट इज एग्जेम्पशन, बताइए। अब मैंने कहा कोई इनकम ऐसी है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, कोई इनकम ऐसी है जिसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जैसे आपका अभी मैंने कहा कि इंटरेस्ट का इनकम, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पे क्या होता है कि इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें ये वाली इनकम इंक्लूड नहीं होती है, एग्जेम्प्ट है कि इसको लेना ही नहीं है भाई साहब, इनकम मानी ही नहीं जाएगी। अब डिडक्शन का क्या सीन है? यहां पे पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम में इसको जोड़ा जाएगा, फिर नीचे डिडक्शन की तौर पे लेस किया जाएगा। समझ में आया? डिडक्शन और एग्जेम्प्शन में डिफरेंस समझ आया? क्या होता है कि एग्जेम्प्ट इनकम जोड़ा ही नहीं जाता, लेकिन डिडक्शन के केस में इनकम को पहले जोड़ा जाता है फिर डिडक्शन देके कम किया जाता है। समझ में आया? पक्का? चलिए, इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक किया तो मैंने बता दिया। 80 GGB
लिखना अलाउड टू इंडियन कंपनी इट इज अलाउड फॉर contribution or donation made to political party or electoral ट्रस्ट एटी जीजीबी से क्या मतलब है? अगर आपने अच्छा ये मिलेगा किसको? ये डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा? नहीं मिलेगा। लिखा है मैंने किस कंपनी को मिलेगा? इंडियन कंपनी को मिलेगा, फॉरेन कंपनी को भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा अगर वो खर्चा कर रहे हैं। किस चीज का खर्चा कर रहे हैं? वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं किसको? पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। व्हाट इज इलेक्टोरल ट्रस्ट? इलेक्टोरल ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट होता है जो जनता से पैसा लेते हैं, जैसे कंपनी से पैसा लिया या कहीं और से पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर ऐसी पार्टी को देना जो उसको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी पार्टी है, उस पार्टी को पैसा फंड दे देना। ठीक है। कुछ लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड ना देके इलेक्टोरल ट्रस्ट में जमा करते हैं कि वहां से वो पैसा कहाँ निकल के आएगा? जो अच्छी पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को लगती है। ठीक है। तो ये इंडियन कंपनी को मिलेगा किस रिगार्डिंग? अगर वो कोई भी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। सर कितना डोनेशन? डिडक्शन हो जाएगा 100% ऑफ अमाउंट। लेकिन अगर आपने कोई पैसा कैश में दिया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको पेमेंट कहाँ से करना पड़ेगा? बैंक मोड से करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया, होते ना पॉलिटिकल पार्टी के सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, या कोई क्या बोलते हैं उसको, प्रचार, उसमें कोई हेल्प करवाई, उसमें कोई खर्चा करवाया, तो क्या सर उसका भी डिडक्शन मिलेगा? हाँ, अगर आपने बैंक मोड में पेमेंट किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का लिखेंगे इसको? लिखना पेमेंट मस्ट बी मेड इन बैंक मोड पेमेंट must be made in bank mode deduction is equal to 100% of contribution और डोनेशन नोट any payment for carrying on any activity for public support for political party
shall also be. Deemed as contribution and deduction is allowed. मतलब अगर आपने कोई भी खर्चा किया है पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक से सपोर्ट मिलने के लिए, ठीक है, तो ये कैसा खर्चा हो सकता है, आप प्रचार कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, और इसका पेमेंट अगर आपने बैंक मोड के थ्रू किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। लिखना नेक्स्ट सेक्शन, अलाउड टू एसएससी अदर देन कंपनी, बातें नहीं करेंगे लोकल अथॉरिटी, it is allowed for donation made in bank mode to political party or electoral trust deduction is equal to 100% of donation। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह, ऊपर किसको मिल रहा था डोनेशन, कंपनी को, यहाँ पे कंपनी और लोकल अथॉरिटी के अलावा और भी लोगों को डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में। अब मैं एज इंडिविजुअल अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता हूँ तो मैं 80GGB में कवर ना होऊंगा, कहाँ कवर होगा, 80GGC में। अगर मैंने कोई भी डोनेशन दिया बैंक मोड के थ्रू किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को तो 100% डोनेशन जितना मैंने दिया है वो डिडक्शन में चला जाएगा। समझ में आया, पक्का? सेक्शन 80QQB पहले इसको लिखेंगे फिर मैं बता दूंगा क्या है। लिखना मेरे साथ साथ, अलाउड टू इंडिविजुअल रेसिडेंट author of specified books अब वर्ड स्पेसिफाइड से क्या मतलब है,
स्पेसिफाइड मींस आर्टिस्टिक लिटरेचर साइंटिफिक नेचर amount of deduction eligible royalty और मैक्सिमम रुपीस 3 लाख विच एवर इज लोअर Eligible royalty means royalty is earned from आउटसाइड इंडिया. लड़की तू कितनी बातें करती है, आधे घंटे से मैं सुन रहा हूं तुम्हारी आवाज लगातार मेरे कानों में, एक सेकंड के लिए भी तुम चुप नहीं हुई हो. द अमाउंट विच इज actually received in India within 6 months from the end of the year shall only be taken as eligible royalty. Shall only be taken as eligible royalty. Within 6 months. Outside India. Thank you.
लिख लिया, लिख लिया। चलिए देखते हैं क्या होता है। एटी क्यू क्यू भी किसको मिलेगा? इंडिविजुअल रेसिडेंट को जो कि किसी बुक का ऑथर हो। क्या सर किसी बुक का? नहीं, स्पेसिफाइड बुक्स का। सर व्हाट इज स्पेसिफाइड बुक्स? जिन बुक्स में आर्टिस्टिक नेचर का कंटेंट हो, लिटरेचर लिखा हो, या किसी साइंटिफिक नेचर के बारे में डिस्कशन किया गया हो। सर क्या जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनके ऑथर्स को ये मिलेगा एटी क्यू क्यू भी? नहीं। अच्छा किसको मिलेगा? जो आर्टिस्टिक नेचर की बातें करें अपनी बुक्स में, लिटरेचर की बातें करें, या फिर साइंटिफिक नेचर की। ये तीन चीज़ें हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा? या तो एलिजिबल रॉयल्टी या मैक्सिमम 3 लाख, दोनों में से जो कम हो। सर एलिजिबल रॉयल्टी क्या है? सर एलिजिबल रॉयल्टी मीन्स रॉयल्टी अगर हम बाहर से कमाते हैं, रॉयल्टी अगर हम बाहर से कमाते हैं, आउटसाइड इंडिया कमाते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर में हमारे पास रॉयल्टी हमने कमाया, जो प्रीवियस ईयर, अगर वो हमें प्रीवियस ईयर में ही इस देश में लाना है, प्रीवियस ईयर में ना लाए, तो 6 महीने सरकार और देती है कि अगले 6 महीने तक आप इसको रॉयल्टी को जो आपने कमाया है इसको अपने देश में वापस लाओ। अगर आपने नहीं लाया तो ये एलिजिबल रॉयल्टी नहीं है, अगर आप ला पाए तो ही ये एलिजिबल रॉयल्टी माना जाएगा। समझ में आया? तो मैंने नीचे इसका ग्राफ भी बनाया है कि अगर 1819 में हमने रॉयल्टी कमाया, इसको इंडिया में लाने का मैक्सिमम टाइम क्या है? 30 सितंबर। 30 सितंबर को ड्यू डेट होती है आईटीआर फाइल करने की, ठीक है। इसीलिए सरकार ने कहा कि आईटीआर फाइल करने से पहले पहले आप इस इनकम को यहाँ लाओगे तो ही हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एलिजिबल रॉयल्टी है। समझ में आया? वो डिडक्शन कितना मिलेगा? एलिजिबल रॉयल्टी और 3 लाख, दोनों में से जो कम है। एलिजिबल रॉयल्टी मान लो 5 लाख है और मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है आपको? 3 लाख ही मिलेगा। एलिजिबल रॉयल्टी 280 है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 3 लाख। जब 280 ही कमाया तो 3 लाख का डिडक्शन कैसे ले लोगे? ठीक है, विच एवर इज लोअर, हमेशा देखना पड़ेगा, या तो 3 लाख लोअर होगा या एलिजिबल रॉयल्टी लोअर होगा, दोनों में से जो कम होगा उसका ले लेंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस पॉइंट में यह है कि अगर रॉयल्टी अमाउंट में नहीं परसेंटेज में है, परसेंटेज ऑफ बुक सोल्ड, जैसे मैंने कोई बुक लिखी है आर्टिस्टिक नेचर की, अब उसमें मैंने किसी पब्लिशर को दिया है, उसने कहा कि जितनी बुक्स बिकेंगी उसका 20% आपको मिल जाएगा, जितनी बुक्स बिकेंगी उसका 20% आपको मिल जाएगा, तो ये परसेंटेज में मेरे पास रॉयल्टी आएगी, यस और नो? परसेंटेज में आएगा। अब परसेंटेज में अगर रॉयल्टी है यहाँ तो अमाउंट निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में सरकार ने कहा है कि आपको रॉयल्टी किसी और बेस पे डिडक्शन मिल सकता है। लिखना मेरे साथ साथ आप, इफ रॉयल्टी इज परसेंटेज बेस्ड ऑफ बुक सोल्ड देन मैक्सिमम 15% ऑफ बुक्स सोल्ड इज कंसिडर्ड एज एलिजिबल रॉयल्टी। एग्जाम्पल,
author earns. Royalty of rupees 2,80,000 at the rate 20% of books sold. आप एक author हैं, आपने 2,80,000 रुपए कमाया पूरे साल में, तो eligible royalty बताइए, eligible royalty कितना माना जाएगा? Eligible royalty माना जाएगा 2,80,000 अगर ये 20% है तो बताइए 15% कितना होगा, कितना आएगा? हाँ निकालो, दो लाख अस्सी हजार अगर 20% है तो 15 कितना, 2,10,000 रुपए एलिजिबल रॉयल्टी आएगा. समझ में आया? 2,10,000 एलिजिबल रॉयल्टी है. चलो आप ब्रेक ले लो, उसके बाद हम मिलते हैं. सारे बच्चे आ गए? चले बस करो. हाँ तो 80 QQB समझ में आ गया? क्या होता है QQB? 80 QQB, अगर कोई ऑथर, कोई भी ऑथर जो स्पेसिफाइड बुक्स का ऑथर हो, ठीक है, और वो रॉयल्टी कमाता है तो उसको रॉयल्टी का डिडक्शन मिल जाता है. कितना डिडक्शन मिलेगा? एलिजिबल रॉयल्टी और 3,00,000. अच्छा, अगर रॉयल्टी इंडिया में कमाया हो, ये क्वेश्चन आप में से किसी ने नहीं पूछा कि सर अगर इंडिया में रॉयल्टी कमाया हो तो वो एलिजिबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, और आउटसाइड इंडिया कमाया हो. हाँ जी, आपने पूछा ही नहीं तो वो बताऊंगा मैं कि अगर इंडिया में कमाया हुआ रॉयल्टी है, ठीक है, तो वो एलिजिबल रॉयल्टी में जुड़ेगा ही जुड़ेगा. लेकिन अगर आपने आउटसाइड इंडिया कमाया तो जो पैसा आपने 6 महीने के अंदर अंदर खत्म, साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में ट्रांसफ़र कर लिया, वही एलिजिबल रॉयल्टी माना जाएगा. ठीक है, इन केस अगर रॉयल्टी परसेंटेज में है तो हम कितना परसेंट मानेंगे इसका एलिजिबल रॉयल्टी? 15%. ठीक है, उसके साथ टाइप कुछ भी हो सकता है पब्लिशर का, 20%, 30%, तो हम 15% ही एलिजिबल रॉयल्टी मान के डिडक्शन दे दीजिए. समझ में आ गया? चलिए इस सेक्शन में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. डिडक्शंस पे एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें सेक्शन QQB है. नहीं, अब बातें नहीं करेंगे. ATRRB तो यहाँ पे बैठा है क्या? फिर से किसी ने ऐसी बातें करी ना तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा. ATRRB सुनेंगे आप, बातें नहीं करेंगे. ब्रेक खत्म हो चुका है, वापस आ जाइए आप पढ़ाई की दुनिया में. ATRRB का क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति जिसने पेटेंट राइट कमाया है, किसी भी चीज़ का पेटेंट कराया है और उस पेटेंट से रॉयल्टी कमाता है, कोई इन्वेंशन किया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका पेटेंट कराया है, पेटेंट कराने के बाद अब वो रॉयल्टी कमा रहा है उस पर,
तो जितना रॉयल्टी वो कमाएगा एलिजिबल रॉयल्टी और मैक्सिमम 3 लाख विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन. एलिजिबल रॉयल्टी क्या होता है, सेम जैसा उसमें था, या पेटेंट फीस जिसको हम बोलेंगे, सेम जैसा कहाँ था लिखेंगे इसमें, मैं बता दूंगा, मेरे साथ साथ लिखेंगे, अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेंटर हू हैज पेटेंट राइट ऑफ सच इन्वेंशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन. एलिजिबल अमाउंट of royalty or patent fees maximum rupees 3 lakhs. हाँ, एलिजिबल पेटेंट फीस इफ रॉयल्टी और पेटेंट फीस इज अर्न्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देन अमाउंट विच इज amount which is actually received in India within 6 months from the end of relevant year shall be considered as eligible royalty. ऊंचा बोल थोड़ा. आई टी आर भरते समय आप प्रूफ नहीं देना होता है, ठीक है. आई टी आर में सिर्फ आप दिखाते हैं कि हाँ ये डिडक्शंस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है. इन केस अगर आपका केस सिक्योरिटी में जाता है तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है, सरकार आपसे पूछते हैं कि ये जो आपने डिडक्शंस दिखाया इनका प्रूफ दिखाओ, तब जाके आपको प्रूफ देना पड़ता है. इन चीज़ों पे TDS कहाँ से पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे ये तो सरकार चाहती है कि आप ऐसे काम करें तभी डिडक्शन ले लें.
रेलिवेंट ईयर मतलब अब अगर जब अभी हमने देखा था कि 1819 का आपने रॉयल्टी कमाया है, ठीक है, तो ये 1819 जो है या तो इसी साल में आपने ये बाहर से फीस जो है कलेक्ट किया है, या 1890 के ख़त्म होने के बाद 6 महीने, 1819 कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को, उसके बाद 6 महीने, अगले 6 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक ये इनकम यहाँ आनी चाहिए इंडिया में, अगर नहीं आई तो एलिजिबल रॉयल्टी नहीं है। तो रेलिवेंट ईयर कौन सा होगा, 1819, जिस साल हमने पेटेंट फीस या रॉयल्टी कमाया, समझ में आया। ATRRB किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, रेसिडेंट होना चाहिए जो कि इन्वेंशन इन्वेंटर हो, इन्वेंशन किया हो उसने, उसके पास कोई पेटेंट राइट हो, जिसको उसने पेटेंट राइट पेटेंट कराया हो और वहाँ से वो रॉयल्टी कमा रहा हो या पेटेंट फीस कमा रहा हो, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, इंडिया में कमाया है तो वो एलिजिबल रॉयल्टी माना जाएगा, दूसरा आउटसाइड इंडिया कमाया है तो उसमें एलिजिबल रॉयल्टी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, एलिजिबल रॉयल्टी सेम जैसे ATQQB में है, अमाउंट मैक्सिमम कितना है, 3 लाख, या तो जो एलिजिबल रॉयल्टी है दोनों में से जो सबसे लोअर होगा वो हमें डिडक्शन मिल जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन कर सकते हैं, अभी है बहुत, क्यों 80DDB, DDB का मतलब है डबल डेंजर बीमारी, DDB क्या होता है, डबल डेंजर बीमारी, ATDDB का मतलब है डबल डेंजर बीमारी। डबल डेंजर बीमारी से याद आया कि कोई भी अगर खतरनाक बीमारी आपको है, ठीक है, आप एक SSC हैं और आप किसी स्पेसिफाइड डिजीज़ के शिकार हैं, स्पेसिफाइड डिजीज़ मतलब डेंजर क्या होता है, डेंजर खतरा, डबल डेंजर बहुत ज़्यादा खतरा, ठीक है, स्पेसिफाइड डिजीज़ होती है बहुत खतरनाक बीमारी, डबल डेंजर बीमारी जिसको मैं बोलता हूँ, तो अगर कोई ऐसी बीमारी के शिकार है आप, कोई SSC ऐसी बीमारी का शिकार है तो उसको ये डिडक्शन मिलेगा अगर उसने अपने आप पे या अपने रिलेटिव पे जिसको वो बीमारी है ट्रीटमेंट का खर्चा कराया। कोई SSC अगर खर्चा करता है किस चीज़ के लिए, स्पेसिफाइड बीमारी के लिए जो उसको खुद के लिए हो या अपने किसी रिलेटिव के लिए हो, अगर वो खर्चा करता है तो वो खर्चा डिडक्शन में चला जाएगा, कौन से सेक्शन में, 80DDB में, और डिडक्शन का अमाउंट है या तो 40% मिलेगा या 60, या तो 40,000 मिलेगा या 60,000 मिलेगा या 80,000 मिलेगा, 3 अलग अलग केस है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको 80,000 का डिडक्शन मिलेगा, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए करा रहे हैं तो 60,000 का डिडक्शन मिलेगा और अदर्स के लिए 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। व्हाट इज सुपर सीनियर सिटीजन, जो 80 साल का क्रॉस कर चुका है, ठीक है, व्हाट इज सुपर सीनियर, 80, 60, सुपर सीनियर बोल रहा हूँ, 80 होता है, सीनियर सिटीजन क्या होता है, सीनियर सिटीजन जो सेट किया गया है, ठीक है, हाँ लड़की सच है, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, तो DDB को लिख सकते हैं, DDB की लिख सकते हैं, समझ में आया क्या होता है, क्या होता है पहले बताओ, अगर कोई SSC किसी स्पेसिफाइड डिजीज़ का ट्रीटमेंट कराता है, जो स्पेसिफाइड डिजीज़ या तो उसको खुद के लिए है या अपने रिलेटिव के लिए है, ठीक है, तो वहाँ पे जो खर्चा कराएगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा, कितना डिडक्शन मिलेगा, या तो 40,000 या 60,000 या 80,000, 40,000 कब मिलेगा, नॉर्मल पर्सन के लिए, अच्छा 60,000 अगर वो जिसको बीमारी है वो 60 साल से ऊपर है, और 80,000 जब वो सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन है, लिखेंगे इसको अलाउड टू,
ये रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस incurred on medical treatment of specified disease. SSC or his relative deduction is equal to least of the following. हाँ एच यू एफ में, हाँ बातों के बगैर हाँ जी मैंने यहाँ डिपेंडेंट लिखा ही नहीं है, रिलेटिव है डिपेंडेंट है या नहीं है, अगर आप उस पर खर्चा करा रहे हैं और उसको बीमारी है कोई स्पेसिफाइड डिजीज तो आपको डिडक्शन मिलेगा. हाँ बता दूंगा अभी रिलेटिव क्या होता है. एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और मैक्सिमम लिमिट further reduced by any amount. Of reimbursement और एम्प्लॉयर हाँ इंश्योरेंस कंपनी और बाय एम्प्लॉयर बता दूंगा ना, अभी पहले लिखो आप मैक्सिमम लिमिट
बातें नहीं करेंगे। लिख लिया हो तो बता दें। मेरी मर्जी, जो क्लास में सबसे अच्छे से ध्यान से सुनेगा उसको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इंटरनल का क्राइटेरिया होगा जो क्लास में सबसे शांत सुशील बच्चा मुझे लगेगा उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। पहले ही बता देता तो कितने अच्छे से सुन लेते। कोई नहीं, अभी 5 क्लासेस और बची हैं, इतना ही 15 क्लास नहीं है आपकी, उससे ज़्यादा तो है नहीं। कहाँ 60 से 70 क्लासेस, कहाँ 15 क्लासेस। लिख लिया हो तो बता दें। चलिए डिस्कस करते हैं। ADDB किसको मिलेगा? ये मिलेगा इंडिविजुअल को या HUF को अगर वो रेसिडेंट है तो। डिडक्शन किस रिस्पेक्ट में मिलेगी? जो खर्चे वो करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड डिजीज़ के रिलेटेड हो, या तो SSC अपने लिए करे या अपने रिलेटिव के लिए। रिलेटिव मतलब सेम जो ADDD में बताया, ठीक है, सेम जो ADDD में बताया। अब डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल खर्चा जितना आपने किया, या मैक्सिमम कितना खर्चा डिडक्ट हो सकता है? 40,000, 60,000 या 80,000। अब 40,000 किसके लिए है? अदर के लिए है। 60,000 किसके लिए है? 60 एंड अबव। और 80,000 किसके लिए है? और जितना ए और बी में से जो माइनस किया, मान लो 60,000 माइनस हुआ। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस किसका देखना है? स्टेटस ऑफ पेशेंट देखना है। ये नहीं कि हम SSC का स्टेटस देखें कि वो कितने साल का है, नहीं, पेशेंट कितने साल का है उस हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर वो 60 साल का है, अब एक पेशेंट है, अब सुनना, मैं देखता हूँ आप कितना सुनते हैं। अब एक पेशेंट है जो 80 साल से ऊपर है, तो मुझे बताइए डिडक्शन कितना मिलेगा? 80,000। बिल्कुल बेकार जवाब, बिल्कुल बेकार जवाब। पूछो क्यों? आपको पूछना चाहिए था कि सर आप में बताइए 80 साल का तो है, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है तो 80,000, रेसिडेंट नहीं है तो क्या होगा? तो वो अदर कैटेगरी में जाएगा, 40,000 मिलेगा। समझ में आया? अदर क्यों लिखा है यहाँ पे? मैं तो नॉर्मल लिख सकता था, ठीक है। अदर क्यों लिखा है? कि अगर रेसिडेंट नहीं है और 60 और 80 के कैटेगरी में आ रहा है तो क्या होगा? 40. तो 40 ही मिलेगा। अगर रेसिडेंट है और 80 साल का है तो 80,000, रेसिडेंट है और 60 की कैटेगरी में आ रहा है तो 60,000, रेसिडेंट नहीं है तो वो हमेशा कहाँ जाएगा? अदर में जाएगा, 40,000 का डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, इसीलिए यहाँ मैंने क्लियर कर लिया। अब मान लो 80,000 का डिडक्शन आपको मिला, ठीक है, आप रेसिडेंट है और 80 साल से ज़्यादा आपका पेशेंट है तो आपको 80,000 का डिडक्शन मिला, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 30,000 रुपये का रिम्बर्समेंट कर लिया, तो सरकार कहती है कि जितने का रिम्बर्समेंट हुआ है ना, तो इन दोनों में से जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और मैक्सिमम लिमिट है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,00,000 है, मैक्सिमम लिमिट 80,000 है, तो दोनों में से किसको ले लोगे? 80,000। 20 कौन बोला? 80,000 ले लोगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इस 80,000 में से आपको घटाना पड़ेगा क्या?
अमाउंट रिइंबर्स्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, या सैलरी चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी फैमिली के ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे रहा है तो वो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि उसका एग्जेम्पशन कहाँ मिलता है, सैलरी चैप्टर में मिलता है। सैलरी में पढ़ा था ना हमने, परकेजिट्स में, ठीक है, या अलाउंसेस में, वहाँ पे उसको डिडक्शन मिलता है, तो उसका डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा। समझ में आ गया? थोड़ा लाउडली बोल। 30,000 मिला तो डिडक्शन कितना मिलेगा आप? अब 50 मिलेगा। ये कहता है कि अगर 1,00,000 खर्चा हुआ, 80,000 का डिडक्शन है, दोनों में से 80 ले लेंगे, 80,000 में से घटाएंगे कि जो 30,000 रुपये हमें एम्प्लॉयर से मिला या इंश्योरेंस कंपनी से मिला, तो बचा कितना? 50 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 50 पे टैक्स नहीं दे देंगे, 50 पे टैक्स माफ़ हो जाएगा नलायक। ये डिडक्शन है, इनकम थोड़ी है, ये तो डिडक्शन है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। ATC डिडक्शन फॉर एलिजिबल पेमेंट्स इट इज अलाउड टू इंडिविजुअल एंड HUF अमाउंट ऑफ डिडक्शन टोटल एलिजिबल पेमेंट्स और मैक्सिमम लिमिट 1,50,000। मैक्सिमम कितना? 1,50,000 रुपए। अब टोटल एलिजिबल पेमेंट्स हैं, टोटल एलिजिबल पेमेंट्स में कौन कौन सी पेमेंट्स आएंगी सर? तो इसको मैं यहाँ पे स्टार देके लिखूँगा। एलिजिबल पेमेंट्स ब्रैकेट में लिखना DHL रेस्ट। DHL एक कंपनी है, ये रेस्ट करेगी। DHL रेस्ट, इससे क्या होगा, इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी पेमेंट्स एलिजिबल पेमेंट्स कहलाई जाती है। पहला D फॉर D मतलब डिपॉजिट्स, डिपॉजिट अगर आपने कराया है PPF में FD में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, क्या होती है ये? हाँ, लड़कियों के लिए है स्कीम,
होम लोन अकाउंट विद NHB। अगर आपने यहाँ पे इन जगहों पे अगर आपने डिपॉजिट्स रखे हैं तो आप वो एलिजिबल डिपॉजिट्स माने जाते हैं। PPF क्या होता है? PPF क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जिनको नहीं पता वो लिखेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। FD क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। अच्छा NHB क्या होता है? नेशनल, हाँ आगे नेशनल हाउसिंग बैंक। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है? ये बेटी के नाम पे खाता खुलता है, उसमें पैसा जमा करते हैं, बेटी जब बड़ी होती है तो उस पैसे का यूज करती है, ठीक है, अपनी शादी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने मजे करने के लिए, जैसे उसको करना है, ठीक है। ये सरकार ने बेटियों के लिए स्कीम निकाली है। तो डी हो गया। अब दूसरा क्या था? एच फॉर हाउस फॉर रेसिडेंस। अगर आपने कोई रेसिडेंट हाउस परचेज किया, सुनेंगे, अगर आपने कोई रेसिडेंट हाउस परचेज किया रहने के लिए, किराए पे देने के लिए नहीं, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, रहने के लिए आपने कोई घर परचेज किया, या तो अपने फंड से करोगे या कहीं से लोन ले लोगे। अब जब आप लोन का रिपेमेंट करोगे, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में डिस्कस होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस होता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आप रिपेमेंट करोगे उसका डिडक्शन मिलेगा अलॉन्ग विद द स्टैम्प ड्यूटी यू हैव पेड। स्टैम्प ड्यूटी लगता है ट्रांसफर करते टाइम पे, स्टैम्प ड्यूटी का प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है, वो एलिजिबल पेमेंट में कवर होता है। दूसरा, अगर आपने अपने फंड से लिया है तो कॉस्ट ऑफ द हाउस प्लस स्टैम्प ड्यूटी इज एलिजिबल पेमेंट। कॉस्ट ऑफ द हाउस प्लस स्टैम्प ड्यूटी इज एलिजिबल पेमेंट। क्या नाम है आपका? अमन, बता क्या बोल रहा था मैं? सुनोगे तो पता होगा ना, ठीक है, तो समझने के लिए सुनना जरूरी है। ध्यान लगते ही आप बातें करना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा ध्यान मत लगाओ। मैंने कहा अगर कोई रेसिडेंट हाउस आप परचेज करते हैं या तो अपने फंड से करोगे या लोन लेके करोगे, तो जब लोन का पेमेंट करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। किधर? प्रिंसिपल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल पेमेंट फॉर द सेक्शन ऑफ ATC, ठीक है। उसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट आप करोगे वो भी कहाँ माना जाएगा? ATC का एलिजिबल पेमेंट माना जाएगा। दूसरा, मैंने कहा कि अगर कोई अपने फंड से रेजिडेंशियल हाउस परचेज करता है तो कॉस्ट ऑफ द हाउस प्लस स्टैम्प ड्यूटी विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल पेमेंट। समझ में आ गया? लिखेंगे इसको, रेसिडेंट हाउस, अगर रेसिडेंट हाउस मैंने परचेज किया, परचेज्ड बाय ओन फंड्स, तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ द हाउस प्लस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अलग
सेक्शन 80C। क्या हुआ? इफ लोन इज टेकन, लिखेंगे साथ साथ जल्दी। रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस स्टैम्प ड्यूटी, मैक्सिमम लिखा तो है ऊपर, मैक्सिमम 1.5 लाख है और एलिजिबल पेमेंट है। एलिजिबल पेमेंट ये चीजें कंसिडर की जाती है। ATC ही चल रहा है अभी। अभी तो दो पॉइंट मैंने डिस्कस किए, डी और एच। डी फॉर डिपॉजिट्स, एच फॉर हाउस फॉर रेसिडेंस। देन डन, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नालायक बच्चे मैंने देखा है, एक गालिब का शेर याद आया, दुनिया में नालायकों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढोगे तो हजार मिल जाते हैं। देखो हाथ उठा उठा के बोल देते सर हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मेरी क्लास में वो हाथ उठा के खुद ही बोलते सर हम यहाँ बैठे हैं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ तुम्हारा नाम भी तो LC स्टार्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिखना, इसमें मैक्सिमम प्रीमियम विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन बातें ना करके लिखेंगे 20% इफ पॉलिसी इज इश्यूड बिफोर 1/4/2012। टेन परसेंट if policy is issued on or after 1/4/12। ऐसी क्या बातें हैं जो आप कर रहे हैं?
covered by ATU or DDB. DH हो गया था, L मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप कोई ले रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रीमियम उसका डिडक्शन कितना चला जाएगा, एलिजिबल पेमेंट कितना माना जाएगा, 20% अगर पॉलिसी कब ली हो, 1/4/2012 से पहले, 10% अगर उसके बाद या उस डेट को लिया हो, 15% अगर पॉलिसी लिया हो 1/4/2013 को, लेकिन ये पर्सन किसके लिए लिया हो, जो ATU में ATDDB में कवर्ड है. ATU कौन है? विकलांग नागरिक जो अपने लिए पैसा कमा रहा है, और ATDDB डबल डेंजर बीमारी जिसको है, ठीक है, स्पेसिफाइड इवेंट्स के लिए. अब नेक्स्ट क्या है? आर मतलब रिटायरमेंट प्लान. रिटायरमेंट प्लान ऑल्सो नोन एज पेंशन प्लान और डेफर्ड एन्युटी प्लान. अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं किस रिगार्डिंग, रिटायरमेंट प्लान के रिगार्डिंग या पेंशन प्लान के में आप कोई पेमेंट कर रहे हैं या कोई डेफर्ड एन्युटी प्लान में आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, ये तीनों एक ही चीज़ है. ये किस लिए पेमेंट कर रहे हैं आप? ताकि कल को जब मैं रिटायर हो जाऊं तो मुझे इसका बेनिफिट मिले, यस और नो? सरकार ने कहा कि आप अभी से सेविंग्स करके चल रहे हैं, तो ये जो सेविंग्स हैं ये आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं इसका कहीं. तो जब आप पेमेंट करेंगे तो ये एलिजिबल पेमेंट्स मानी जाएंगी. किस रिगार्डिंग? 80C में, ठीक है. 80C पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. अभी 80C चल रहा है, DHLR हो गया है, अभी EST बचा है. DHLR में हमने क्या पढ़ा? पहला क्या था? डिपॉजिट्स. अगर आप डिपॉजिट्स करते हैं इन इन जगहों पे, तो वो एलिजिबल पेमेंट्स मानी जाएंगी. एज फॉर हाउस आपने लिया है, हाँ, तो उसमें क्या था? अपने पैसों से ले रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ द हाउस प्लस स्टैंप ड्यूटी विल बी अलाउड एज एलिजिबल पेमेंट. और दूसरा, अगर लोन से ले रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस स्टैंप ड्यूटी विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल पेमेंट्स. DHL फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया क्या कितना ले हो सकता है. आर फॉर रिटायरमेंट प्लान के लिए अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो जितना आपने पेमेंट किया दैट विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल पेमेंट एंड विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. नेक्स्ट क्या है? ई फॉर होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. सर ये चीज़ गलत है. कभी आप बोल रहे हो ई फॉर एलिफेंट होता है, कभी बोलते हो ई फॉर एजुकेशन होता है. अभी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SPF, RPF, SAF, NPS. क्या होते हैं ये? SPF क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. अगर कोई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं PF में, दो चीज़ें होती हैं. PF मतलब क्या? PF मतलब एक गुल्लक होता है, ये एक ऐसा गुल्लक है, ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, बताओ क्या क्या? एक इसमें खून होता है, एक पसीना होता है. खून किसका? एम्प्लॉई का. पसीना किसका? एम्प्लॉयर का.
ठीक है, अब एम्प्लॉई खून बहाएगा तो एम्प्लॉयर पसीना उसमें डालेगा। ये गुल्लक किसका है? ये गुल्लक है एम्प्लॉई का, और सरकार ने इसको स्कीम दिया है कि बेटा जितना तुम इसमें खून डालोगे ना उतना हम पसीना डालेंगे और इस गुल्लक को भरते जाएंगे, और बाद में जब ये गुल्लक भर जाएगा ना तो आपको पकड़ा दिया जाएगा कि ये लो आप मज़े करो। ठीक है, खून पसीने की कमाई होती है इसमें। ठीक है, तो ये पैसा जो लास्ट में आपको मिलेगा ये किसको मिलता है? एम्प्लॉई को। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी कमाई है एम्प्लॉई की कमाई जिसको मैं खून बोलता हूँ, इसका बेनिफिट आप उठाते हैं सैलरी वाले चैप्टर में, वहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने आपको पढ़ा ही नहीं। ये प्रोविडेंट फंड, लेकिन हम लास्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, मिसिलियंस जो कुछ पॉइंट्स बचे ना हर एक चैप्टर के, वो हम लास्ट एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के मिसिलियंस पॉइंट्स। अब एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके लिए इनकम है कि नहीं है? एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके लिए इनकम है कि नहीं है? हाँ जाओ साथ आऊं। जो एम्प्लॉयी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, पहले एक बात बताओ, जो एम्प्लॉयी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पेमेंट है या इनकम है? एम्प्लॉयी का, एम्प्लॉयी का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड पेमेंट है या इनकम है? अच्छा, आप कमा रहे हैं और प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं, ये इनकम कहां से हुआ? ये पेमेंट है। मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैं आपको प्रोविडेंट में डाल रहा हूं, आपके लिए क्या है? इनकम है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या होता है वो सैलरी चैप्टर में डिस्कस होगा। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, जो आपने अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में डाला, सरकार ने कहा इसका डिडक्शन ले लो। लेकिन आपको किस प्रोविडेंट फंड में डालना है? यहां पे लिखा है एसपीएफ में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। आरपीएफ, आरपीएफ क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एसएएफ, एसएएफ सुपर एनुएशन फंड, हाँ एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एसएएफ जो है ना, ये एसएएफ अप्रूव्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप इनमें पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन इसमें जाता है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गया? अभी कौन सा बचा हमारा? हाँ, एस ए एफ का, एस ए एफ का फुल फॉर्म बता दो यार। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? एस, एस फॉर, एस फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, किस में सब्सक्राइब किया है? आपने सब्सक्राइब किया है एनएससी में, एनएसएस में, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स में। बुक में एक बार इनको दोबारा पढ़ लेना, ये सारे डिटेल्स हैं। यूलिप में, बॉन्ड ऑफ नबार्ड, इक्विटी या डिबेंचर, ऑफ कंपनी, कवर्ड बाय
सेक्शन 80 IA अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है NSC नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, NSS नेशनल सेविंग स्कीम, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड, यूलिप बॉन्ड ऑफ नबार्ड, इक्विटी डिबेंचर्स, जो किस कंपनी के हो, जो कंपनी ATIA के अंडर आती है, ATIA में वो कंपनीज आती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं हमारे देश में, ठीक है, तो अगर आप इन कंपनीज के किसी भी इस पार्ट को सब्सक्राइब करते हैं, इक्विटी या डिबेंचर को, हाँ, यह यूनिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, शायद वही है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, हाँ शायद वही है। अच्छा, अगर आपने कोई भी इनमें से सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है? नेटफ्लिक्स थोड़ी है सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्राइब करना, हाँ वो मैं बताने वाला था कि देख के सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? नहीं सुनो, सब्सक्राइब और शेयर होल्डिंग में क्या फर्क होता है या डिबेंचर होल्डिंग में क्या फर्क होता है? सब्सक्राइब मतलब जब कंपनी पहली बार कोई शेयर, कोई डिबेंचर, कोई बॉन्ड इशू करती है या पहली बार किसी चीज़ को मार्केट में लाया जाता है, NSE को, NSS को, या नोटिफाइड म्यूचुअल फंड को, या यूलिप को, जब पहली बार ये मार्केट में आते हैं, तो अगर पहली बार आप खरीदते हैं तो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद इसको, इसका ट्रेडिंग होता है शेयर मार्केट में। अगर आपने शेयर मार्केट से ख़रीदा है तो दैट इज़ नॉट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कब होता है? जब आप पहली बार ये इक्विटी या ये डिबेंचर या ये बॉन्ड या कोई भी चीज़ पहली बार मार्केट में आती है और आप उसको पहली बार में खरीदते हैं तो आप सब्सक्राइब हो गए, ठीक है, आप क्या हो गए? सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन जब आपसे कोई और खरीद लेता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इक्विटी डिबेंचर ऑफ ऐसी कंपनियां जो इंफ्रा डेवलप करती है, ये एक कंपनी है मान लो XYZ लिमिटेड, इसका काम है कि हाईवे बना रहे हैं। अब रोड्स हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हाईवे बनाने के बाद ये क्या होता है, इनकी इनकम कहाँ से होती है? जो टैक्सेस ये टोल से लेते हैं, ठीक है। अब टोल लगा है तो ये पैसा जो इसमें लगाया है पहले 10-15 साल तक ये पैसा वापस आएगा, यस और नो? अब 15 साल ये कंपनियां इस पैसे को ब्लॉक करके रखती है, पैसा ब्लॉक होता है 15 साल के लिए और धीरे धीरे करके वापस आता है। तो इन ये कंपनियां क्या करती है, ये बॉन्ड्स इशू करते हैं जनता को कि आप हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। अगर आप हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो सरकार ने स्कीम दे रखी है, क्योंकि ये क्या चाहेंगे कि हमेशा पैसा पहले इनिशियल मोमेंट पे आ जाए। अगर ये बैंक से लोन ले लेंगे तो अगले दिन से बैंक इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देगा, यस और नो? अगर ये इक्विटी इशू करते हैं तो इक्विटी का तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई साहब मर्जी हो गए, डिविडेंड दे दिया, मर्जी हो गए नहीं दे दिया, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन हर साल के बाद। ऐसा नहीं है कि जिस दिन लोन लिया उसी अगले दिन आपको इंटरेस्ट का कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा, मंथली या क्वार्टरली, ठीक है। अब इसीलिए ये कंपनी क्या करती है, पहले चाहती है कि मेरे पास फंड आ जाए, उसको मैं इन्वेस्ट करूं और अगले 10-15 साल तक कोई मेरे से वापस ना ले, कोई मेरे से ये पैसा वापस ना ले। तो जब ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, उसी लिए यहाँ पर ये कंपनियाँ कवर होती हैं कि जो कंपनी डिबेंचर या बॉन्ड इशू करे या इक्विटी इशू करे जो ATIA में कवर है, जो ATIA में कवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज आती हैं ATIA में, तो उन कंपनीज के लिए क्या है कि अगर आप इनके शेयर्स को या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करते हैं, पहले जब इशू करते हैं तो आप खरीद लेते हैं तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बचा हमारे पास? टी फॉर जो आप पे करते हैं, बताइए क्या होता है टी फॉर?
आप कब टैक्स देते हैं बताओ? ट्यूशन फीस, लिखना इसमें पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अगर आप फुल टाइम एजुकेशन के लिए फीस पे कर रहे हैं जो इंडिया में ले रहे हैं आप, दो चिल्ड्रन मैक्सिमम है, ठीक है। अब सर कोई ये बोलेगा कि सर किसी के चार हुए तो दो का डिडक्शन मिलेगा, दो का नहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चे का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डिडक्शन का लिमिट है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है, ठीक है। तो दो बच्चों का डिडक्शन मिल सकता है फुल टाइम एजुकेशन का जो फीस आप पे कर रहे हैं उनके लिए। तो मुझे बताइए इसमें कौन सी फीस कवर होगी, जो स्कूल में पे कर रहे हैं या जो ट्यूशन में फीस पे कर रहे हैं? स्कूल में भी फीस की कैटेगरी होती है, बिल्डिंग फंड, ठीक है, गेम्स फंड, ये फंड, वो फंड, फलाना ढिमकाना, और एक होता है छोटा सा ट्यूशन फीस। तो वो खाली वो ट्यूशन फीस वाला अमाउंट जो है उसका डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? चलिए लिखना है इसके आगे। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और पेमेंट्स कैन बी मेड in the name of followings: following individual ke liye, life insurance premium, रिटायरमेंट प्लान, PPF, himself और स्पाउस और ये जितनी भी एलिजिबल पेमेंट्स हमने ऊपर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस की हैं, अगर ये कोई इंडिविजुअल कर रहा है, अगर उसने अपने नाम पे लिया है, स्पाउस के नाम पे लिया है या अपने बच्चों के नाम पे लिया है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, रिटायरमेंट प्लान के नाम पे जमा कर रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है, यूलिप में डाल रहा है, तो इन लोगों के नाम अगर लिया है तो ही ये एलिजिबल पेमेंट्स है। अगर इसने अपने फादर के नाम लिया होगा इंडिविजुअल ने,
तो वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, अपने लिए, स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, और HUF के लिए एनी फैमिली मेम्बर, किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए आप अगर ये पेमेंट्स कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे डिडक्शन में चला जाएगा। समझ में आया? पक्का? लिखना। ATC हमारा ख़त्म हो गया, DHL रेस्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन, ATCCG। अभी है हमारे पास एक आधा घंटा है, अभी है ना हमारे पास टाइम, तो हम कर लेंगे। अभी बस एक दो ही बचे हुए हैं, निपटाते हैं उनको भी। कोई बात, जितने होंगे निपटा लेंगे। गिन के बैठे हैं पूरे, मेरी मर्जी में 13 ही करा लूँगा, 14 ही करा लूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। ATCCG लिखना मेरे साथ साथ, अलाउड टू, इंडिविजुअल रेसिडेंट किसको मिलेगा, इसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, आपने ज़िंदगी में पहले कभी इन्वेस्ट ना किया हो तो आप हैं न्यू रिटेल इन्वेस्टर, न्यू रिटेल इन्वेस्टर, और आपकी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम अप टू रुपीज़ 12 लाख है, और आपने इन्वेस्टमेंट मेड इन RGESS, सर ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, और ये जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे इसको आप अगले 3 साल तक नहीं बेच सकते, लॉक इन पीरियड। इतना डिडक्शन, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 50% और रुपीज 50,000
इन दोनों का लोअर निकालना है। बातें नहीं करेंगे, मोबाइल फ़ोन भी बंद है, हाँ सुनेंगे इधर। इन दोनों का लोअर निकालेंगे और ये डिडक्शन मिलेगा फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए। उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ एटी सीसीजी क्या होता है? सीसीजी सर, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है और मार्केट में नया नया इन्वेस्ट करने के लिए आया है, उसने आज से पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो वो इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है? राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, 12 लाख से ज़्यादा नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं बता रहा, ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, पहली बार कर रहा है, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगा, तो इसको ये डिडक्शन मिलेगा। सर किस साल मिलेगा? जिस साल वो इन्वेस्टमेंट करेगा। सर अगर उसने ये इन्वेस्टमेंट जो इसने यहाँ पे खरीदा है अगले साल बेच दिया, तो जितना डिडक्शन यहाँ पे मिला था वो अगले साल ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। सर तो क्या करना पड़ेगा? आप 3 साल तक इसको नहीं बेच सकते, इसका लॉक इन पीरियड है। एक बार आपने खरीद लिया तो अगले 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर आपने बेचा इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो क्या होगा? जितना डिडक्शन आप ले चुके हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3rd साल में आपने बेच दिया, तो 2 साल का जो डिडक्शन है उसका क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा 3rd साल के ग्रॉस टोटल इनकम में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या है कि डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना आप खर्चा करोगे, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका हाफ। इन्वेस्टमेंट आपने किया 2 लाख रुपए का और उसका हाफ कितना हुआ? 50% आपको डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख रुपए। लेकिन मैक्सिमम लिमिट यहाँ सरकार ने कहा 50,000 रुपए है जो डिडक्शन आप ले सकते हैं। और ये डिडक्शन आपको 1 साल नहीं मिलेगा, 3 साल तक मिलेगा। मान लो आपने 2 लाख का डिडक्शन, ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका 50% कितना बना? 1 लाख रुपए, ठीक है। और लोअर कितना है? 50,000 रुपए। तो ये 50,000 रुपए का डिडक्शन आप 1 साल, 2nd साल, 3rd साल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट क्या होता है? आपने 3 साल से पहले इसको बेच दिया, आपने 2 साल 11 महीने और 29 दिन में के बाद बेच दिया, तो भी डिफॉल्ट माना जाएगा। समझ में आया? ठीक है, 3 साल कंप्लीट होने तक डिफॉल्ट माना जाएगा। तो लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस इन केस ऑफ डिफॉल्ट। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेल विद इन लॉक इन पीरियड। सेल विद इन लॉक इन पीरियड, इस केस में क्या होगा? डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर, लिखना डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर विल बी एडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। Will be added in gross total income. ठीक है,
तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट में क्या होगा, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो जो आपने डिडक्शन पहले साल में लिया या दूसरे साल में लिया, तो तीसरे साल की ग्रॉस टोटल इनकम में वो डिडक्शन का अमाउंट जोड़ लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। समझ में आ गया, पक्का चल सकते हैं आगे। चलो नेक्स्ट, एटी डी, डी से याद आया डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर से याद आया हेल्थ। हेल्थ मतलब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस किसको मिलेगा, ये मिलेगा अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। अगर आप एक HUF हैं तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर का हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। लिखेंगे पहले मेरे साथ साथ, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखना अलाउड टू, इंडिविजुअल और HUF, क्या वो ऐसे इंडिविजुअल अच्छा नहीं लग रहा आपको? फिर हाँ, अब इसको लग रहा है ना कि आप छुट्टी होने वाली है इसीलिए खुश हो रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए सरकार ने कहा कि या तो आपने ये हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए लिया हो हिमसेल्फ, या अपनी स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या आपने अपने पेरेंट्स के लिए लिया हो। पेरेंट्स में डिपेंडेंट वर्ड नहीं है, याद रखना। अगर कोई इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है किसके लिए, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और HUF के बारे में बात करें, अगर कोई HUF किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो उसको भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एनी फैमिली मेम्बर, एनी फैमिली मेम्बर, ठीक है। अब डिडक्शन किस चीज का मिलेगा, लिखना इसमें, डिडक्शन इज अलाउड regarding following expenses, number A, premium paid for health insurance, इसमें आगे लिखना payment must be इन बैंक मोड, कैश नहीं चलेगा, क्लियर है। बी पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स CGHS और
सिमिलर CGHS, इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। बहुत अच्छे, खुश होता हूँ मैं जब आप ऐसे जवाब देते हैं। कभी कभी मुझे फील होता है कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं। कभी कभी मैंने बोला, ठीक है। नंबर सी, प्रीमियम पेड फॉर अब इसका भी बता दो लगे हाथ, PHCS क्या होता है? PHCS ये गूगल कर रहे हैं, गूगल में कहाँ मिलेगा ये? ये है फिजिकल हेल्थ चेकअप्स, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि अगर आप कैश भी चलेगा इसमें, अगर आप कैश मोड में भी पेमेंट करते हैं या बैंक मोड में, दोनों मोड चलते हैं, क्योंकि आप फिजिकल हेल्थ चेकअप के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करें, आप कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसका डिडक्शन यहां पे मान लिया जाएगा। डी, हाँ जी, हाँ, मेडिकल एक्सपेंसेस। UPS है ना लास्ट में, S है ना। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है ना, मैं बना सकता हूँ फॉर्मूला। हाँ तो गूगल कहाँ शो करेगा? PHC लिखोगे वहाँ पे कुछ और निकल के आएगा। सर पहले तो बात है, बुला दिया यार, क्या लिखने वाला था? मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, हिमसेल्फ और फैमिली। इसके लिए कंडीशन है, अच्छा इसको मत लिखो, सुनेंगे इधर। 80D, डी मतलब क्या होता है? डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर से ज़्यादा हेल्थ का इंश्योरेंस करा लीजिए। अगर आपने एज इंडिविजुअल अपने आप का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है या कंट्रीब्यूशन किया है इनके नाम पे टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए या किसी सिमिलर स्कीम के लिए, या कोई प्रीमियम पेड किया है आपने हेल्थ चेकअप्स के लिए, या कोई मेडिकल एक्सपेंस आपने किया है अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप HUF हैं तो आप किसी भी फैमिली मेंबर के लिए ये चार खर्चे, नीचे जो चार खर्चे दिए हैं, प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स CGHS और सिमिलर स्कीम्स, प्रीमियम पेड फॉर फिजिकल हेल्थ चेकअप्स और मेडिकल एक्सपेंशन, ये चार खर्चे अगर आप कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये है कि सर डिडक्शन कितना मिलेगा, लिखेंगे इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन।
अमाउंट ऑफ डिडक्शन. सर कितना डिडक्शन मिलेगा लिखेंगे. पहले लिखना ग्रुप वन. ग्रुप वन का इसमें लिखना हिमसेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन इसमें लिखना टोटल एक्सपेंसेस और मैक्सिमम लिमिट. टोटल एक्सपेंसेस और मैक्सिमम लिमिट. इसमें लिखने 25,000 और 50,000. ठीक है. ग्रुप टू ये मैक्सिमम लिमिट है, बता दूंगा 25 किसके लिए है और 50 किसके लिए है. ग्रुप टू लिखो पेरेंट्स टोटल एक्सपेंसेस और मैक्सिमम लिमिट. पच्चीस हजार या 30,000. आप ऐसे यहाँ पे करो, यहाँ पे आप 50 मत लिखो, यहाँ पे 30,000 लिखो. मैं बता दूंगा ना आपको क्यों गड़बड़ हो जाएगा इसको. सुनना ये 25,000 का और 30,000 का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले वो क्लियर कर लो. अगर कोई व्यक्ति ग्रुप वन का इंश्योरेंस करा रहा है या ग्रुप वन के खर्चे करा रहा है तो इसमें कौन कौन आएगा? ये व्यक्ति खुद आएगा, ठीक है, इसका स्पाउस आएगा और इसके बच्चे आएंगे, डिपेंडेंट बच्चे. तो इनका अगर कोई भी खर्चा करा, मान लो हमने खर्चा कर लिया 75,000 का, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है या तो 25,000 है या 30,000 है. अब सर इन दोनों में से हम क्या ले लें?
इन दोनों में से लिया जाएगा, अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 30,000। अगर आपके बच्चे नहीं मौला देंगे, मैंने क्या बोला, अगर आप इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो 30,000 अमाउंट लिया जाएगा, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए 30,000 और नॉर्मल पर्सन के लिए बोलो। अब दूसरा है ये वाला 30,000, कौन सा, ये वाला। इस केस में ग्रुप टू में पेरेंट्स का हेल्थ चेकअप होता है। अब यहाँ पे भी मैंने कहा कि या तो 25,000 होगा या 30,000 होगा। अगर आपके पेरेंट्स वेरी सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर 80 से अबव, तो 30 का कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। समझ लेना इस बात को कि अगर आपके पेरेंट्स वेरी सीनियर सिटीजन है तो 30,000 के कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे, अदरवाइज कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा। अब आपने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा अपना और अपने पेरेंट्स का जो कि सीनियर सिटीजन है, तो बताइए कितना डिडक्शन मिल सकता है आपको, 25,000 प्लस ग्रुप वन का 25,000 और ग्रुप टू का 25,000, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने अपने स्पाउस का, ध्यान देना, स्पाउस का और अपने पेरेंट्स का जो कि वेरी सीनियर सिटीजन है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भराया, तो कितना होगा, ग्रुप वन से 25,000, ग्रुप टू से 30,000, कितना होगा, 55,000, ठीक है। अब लास्टली आपने अपना और अपने पेरेंट्स का दोनों का ले लिया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन आप खुद सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स वेरी सीनियर सिटीजन हैं, तो बताइए ग्रुप वन से कितना आएगा, ग्रुप वन से 30 निकल के आएगा प्लस ग्रुप टू से 30 निकल के आएगा, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 60,000 का। समझ में आया ये, पक्का। अब इसको एक मिनट दिखाता हूँ कैसे लिखना है। अब मैंने कहा एक तो ये वाला लोअर हम यहाँ पे ले लेंगे, ये अमाउंट आया, और इन दोनों में से क्या निकालेंगे, लोअर अमाउंट निकालेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, और ये जो अमाउंट आएगा इसको मैं बोलूँगा टोटल डिडक्शन, इसको मैं बोलूँगा टोटल डिडक्शन। क्लियर है, हाँ, अगर वो वेरी सीनियर सिटीजन है तो 30 के कैटेगरी में आ जाएगा। कितनी एज है, तो वो तो ऑब्वियसली कहाँ आ जाएंगे, आपको मैंने एक बुक व्हाट्सएप किया था, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका क्या जाता है बताओ, पेजेस भरे हैं ना,
एक मिनट आप वो बुक खोलेंगे उसमें देखेंगे और नहीं लिखवाएंगे आप बुक में ही दिखाएंगे बुक में दिखाएंगे ठीक है। हाँ नहीं करा रहा हूँ ना मैं आप बुक तो खोलो नहीं बुक में डिडक्शंस का चैप्टर निकालो पेज नंबर नहीं दिया है बुक में आप डिडक्शन चैप्टर देख लो पेज नंबर 146 बता रहे हैं देखा आपने yes, sir. क्या पेज नंबर है 146 थोड़ा ऊपर हो गया ना एक ये चलो कोई दिक्कत नहीं है मुझे जो आप चीज़ को चीज़ दिखानी है अब देखो इसमें यहाँ पे 80CCC ये हमने किया ये वाला हाँ 80CCC इसको एक बार देख लेना CCD नहीं किया CCD नहीं किया है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू NPS नेशनल पेंशन स्कीम ठीक है CCG हो गया है हमारा और 80DB हो गया है ATE हो गया है ATG नहीं हुआ है ठीक है। अब सुनना ये सेक्शन अवेलेबल है सभी टैक्स पेयर्स के लिए ये बुक में दिया गया है ऑलरेडी आपके पास ठीक है सभी टैक्स पेयर्स के लिए वन ऑफ द फॉलोइंग डोनेशंस नो मैक्सिमम लिमिट इज एप्लीकेबल टैक्स पेयर कैन डोनेट द अमाउंट विदाउट एनी लिमिट जितना डोनेट करोगे भाई साहब पूरा का पूरा डिडक्शन लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जहां पे आपको 100% का डिडक्शन मिलेगा कहीं पे 50% का डिडक्शन मिलेगा। अब 100% वाले यहां पे लिखे हुए हैं किस किस पे आपको 100% मिलेगा और 50% वाले भी यहां पे लिखे हुए हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड इसमें 50% है जवाहरलाल नेहरू 50% इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 50% राजीव गांधी फाउंडेशन। अब सर ये 50% कैसे याद रहेंगे सुनो सर 50% वाले कैसे याद रहेंगे किस में 50 है किस में 100 है इसके लिए एक स्कीम है बताऊं नाम है स्कीम का गांधी ड्रॉट फैमिली या कांग्रेस ड्रॉट फैमिली आप बोल सकते हैं कांग्रेस के जितने भी नाम यहां पे मिलेंगे उसमें 50%। अब प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट लीड फंड ड्रॉट आ गया वर्ड नेहरू मेमोरियल फंड
50%, इंदिरा गांधी 50%, राजीव गांधी 50%, जवाहरलाल नेहरू 50%, ठीक है। अब ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर इसमें कोई भी ये नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, ऑन द फॉलोइंग डोनेशन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। रिस्ट्रिक्शन लगाया है, गवर्नमेंट और एन अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उस पर कितना लगेगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी चैरिटेबल पर्पज अदर देन फैमिली प्लानिंग, आपने इन्हीं को दिया है, लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को, लेकिन चैरिटेबल पर्पज के लिए दिया है, फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं दिया है, तो उस पर 50% ही मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है देश में, फैमिली प्लानिंग। एनी अदर अप्रूव्ड फंड और एनी इंस्टीट्यूशन विच सेटिस्फाइज द कंडीशंस मेंशन्ड 80G5 उसको लिए 50%। तो ये आप एक बार देख लेना ये टेबल, ठीक है। 80GG हमने नहीं डिस्कस किया, ये है रेंट पेड के मामले, अगर आप रेंट पेड करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये उनको मिलता है जिनको HRA इसमें नहीं मिलता, सैलरी में। अब डिडक्शन कितना है, GGA पढ़ा हमने, GGA ये है डिडक्टेबल अमाउंट इन इज 100% इफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन लाइक अप्रूव्ड कॉलेज इंस्टीट्यूशन रिसर्च एसोसिएशन। हाउएवर नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80GGA इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीडिंग ₹10,000। अगर आपने कैश 10,000 से ज़्यादा दिया है तो उसका डिडक्शन GGA में नहीं मिलेगा, ठीक है। GGB और GGC मैंने डिस्कस करवाया, ATIA अभी रहने दें, IAB भी रहने दें। ATJJA हमने डिस्कस किया, QQB हमने डिस्कस किया और RRB भी हमने डिस्कस किया, TTA भी हमने डिस्कस किया, यू भी डिस्कस किया। रिबेट अंडर 87A, ये पता है आपको 87A का रिबेट क्या है। रिबेट अंडर 87A है, जब आपको हार्ड कॉपी मिलेगी ना आप उसमें करेक्शन कर लेना। दिस रिबेट इज गिवन टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हु आर इन लोअर इनकम ब्रैकेट। एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज नेट टैक्सेबल इनकम दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80U is ₹5 lakhs or less is entitled to claim rebate under section 87A which is 100% of income tax amount, income tax payable or ₹2500 है यहाँ पे, कितना है। तो जब आपको हार्ड कॉपी मिलेगी आप वहाँ पे 2500 लिख लेना, विच एवर इज लेस। इसमें एक टेबल मैंने दिया हुआ है, ये एक टेबल दिया है यहाँ पे चैप्टर 6 डिडक्शंस का। अब 80C में जो मैंने कहा था DHL रेस्ट आता है, याद आया आपको DHL रेस्ट, DHL रेस्ट, इसमें क्या क्या बोला मैंने थे, एलिजिबल पेमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड LIP डेफर्ड एन्युटी NSC कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF पेमेंट टू ट्यूशन फीस, ये अलग अलग इसमें एक साथ दिए गए हैं। तो DHL रेस्ट में मैंने अलग बताया था, डी फॉर डिपॉजिट्स में कौन कौन आता है, एच फॉर हाउस, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ई फॉर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एस फॉर सब्सक्रिप्शन, टी फॉर ट्यूशन फीस। तो ये हमने डिस्कस किए थे 80CCC। एक बार इस पूरे को ना एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, ये पूरा आप एक बार देख लेना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।